पागलपंती विद सैया, खैनी खाते हुए भैया, नाचती हुई गर्ल्स और लड़कों के बालों में कर्ल्स। पुराना हो गया ये सब, अब व्यूज नहीं आते सबसे। अब वायरल होने के लिए ना कुछ यूनिक करना पड़ता है। कितने खुश हुए थे ना हम सब जब टिकटॉक बैन हुआ था। किसे पता था कि उसके जाने के बाद उसके जैसी 75 एप्स और आ जाएंगी विद इवन वर्स कंटेंट। ओ आई मीन कंटेंट। यार एक बात बता, तू कितने साल की लड़की से शादी करेगा? 16 साल की। और अगर 16 साल की नहीं मिली तो? तो फिर 8-8 की दो चलेंगी। बेटा जैसी बातें तुम आजकल ये स्नैक मौज और टकाटक पे कंटेंट की आड़ में बोल रहे हो ना, वो हमने बचपन में बोली होती ना तो पहले पापा से बेल्ट ही बेल्ट पड़ती और फिर मम्मी से छितर। तो बेसिकली इन एप्स पे फेमस होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने की है मेहनत। वो अलग बात है कि कुछ एप्स पे आप सिर्फ 920 व्यूज लाके ट्रेंडिंग सेक्शन में आ सकते हो, पर कुछ एप्स तो 2G के जमाने की याद दिलाती है यार। साला लोड होने का नाम नहीं लेती चाहे कितना अच्छा वाईफाई लगवा लो। लेकिन जो एप्स चलती हैं उन पे कुछ भी चल रहा है। याद है पहले कैसे टिकटॉक पे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की कॉपीज मिलती थी? इन एप्स पे बॉलीवुड छोड़ो हॉलीवुड सेलिब्रिटीज की कॉपीज मिलती हैं। इनफैक्ट सेलिब्रिटीज भी नहीं, सुपर हीरोज। वो अलग बात है कि इन सुपर हीरोज की लेनी देनी कर देते हैं ये लोग। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरा दिल का चैन, ओ ओ। और इस सब के साथ साथ इन एप्स पे बच्चों वाली फोकट की शायरी भी देखने मिलती है। चाय में कम है शक्कर, मुझे नहीं चलाना तेरसा चक्कर। बस शक्कर को राइम कर दो चक्कर से, इतना ही बहुत है वायरल होने के लिए। पर हाँ, वायरल होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं अगर आप फनी फनी जॉक्स मारो तो। यार मुझे ना बहुत भूख लग रही है। अच्छा क्या खाओगी? मुझे ना माँ का चूरन खाने का मन कर रहा है। माँ का चूरन? अबे ओ बाउली, वो माँ का चूरन नहीं मंचूरियन होता है। वाह वाह वाह, क्या जोक मारा है। जोक हो तो ऐसा, मैं तो कह रहा हूँ अगर वायरल होना ना इससे भी गंदा जोक मारो कि सुनने वालों के सुनते ही मुंह से निकले। भाई साहब फोन पे ग्लास लगा दोगे? हाँ हाँ लगा देंगे। कितने रुपए में लगाते हो भाई साहब? 100 रुपए लगेंगे। भाई साहब ज्यादा नहीं है? तो ग्लास भी तो बढ़िया लगा के दूंगा। तो ठीक है लगा दो फिर। 10 मिनट में ले लेना। लग गया ग्लास? हाँ हाँ लग गया। ये लो। क्या कर रहे हैं यार ये? यार क्या कर रहे हैं ये? इससे अच्छा तो टिकटॉक ही था, कम से कम थोड़ी क्रिएटिविटी तो थी। वो जोकर याद है यार, वो ही कितना कूल था। Although, जोकर भाई लेट मी बी ऑनेस्ट, ये डरावना कम फनी ज्यादा लगता है। ऐसे ही मुंह उठा के विलन नहीं बन सकते ब्रो, पर हाँ अगर बनना है तो एक तरीका है, ट्राई यूजिंग विलन दैट हैज एन अमेजिंग फ्रेग्रेंस विद वुडी एंड स्पाइसी नोट्स। ये बहुत ही प्रीमियम बिटर स्वीट और यूनिक है और इसकी स्मेल भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। लाइक पर्सनली बताऊं तो ये इजीली मेरे लिए एक पूरा दिन लास्ट कर जाता है। एंड ऑनेस्टली इसका प्राइस भी बहुत नॉमिनल है, स्टार्टिंग विद जस्ट ₹499। सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। वैसे यार चाहे कुछ भी कहो, इन एप्स पे माहौल बड़ा पारिवारिक है, तभी तो इनको ओपन करते ही ऐसी अश्लील चीजें आती हैं जो मैं यहाँ यूट्यूब पे दिखा भी नहीं सकता वरना मम्मी घर से निकाल देंगी। लेकिन कुछ एप्स को तो लोगों ने बिल्कुल मंदिर बना रखा है। पर सच में बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे इन ऐप से, जैसे राह चलते लोगों से बात कैसे की जाए। मेरे बाबू ने खाना खाया क्या? क्यों बर्तन मानने जाएगी क्या? हेलो, अबे किसको बोला? अबे फोन पे बात कर रहा हूँ ना। अबे मेरे को लगा मेरे को बोला होगा। अबे तेको क्यों बोलूंगा सेमड़ी, चल निकल यहाँ से नाक साफ कर। क्या साली खड़दुल्ली है। अपने पोस्ट पे लाइक्स कैसे बढ़ाए जाएं? गाइस इसको बनाने में जितना टाइम लगा है ना, आपका एक लाइक करने में उतना टाइम नहीं लगेगा। प्लीज इसको जरूर लाइक कीजिएगा। प्लीज गाइस मेरे भी इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़वा दीजिए गाइस, प्लीज बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा गाइस, प्लीज गाइस। और हाँ चुपचाप वीडियो लाइक कीजिए। ऑल्सो इन्हीं एप्स पे मैंने ये भी सीखा कि जिंदगी भर सिंगल कैसे मरा जाए। यार तू अभी तक सिंगल है, कब तक सच लौंडा रहेगा? कभी तो पिघल जा। यार मैं तो पिघल जाऊँ, कोई ढंग से प्रपोज तो करे मुझे। आई लव नो। यहाँ लोग सिंगल मरे जा रहे हैं और तू कूल बन रहा है, इज्जत करना सीखो। गम मिला तो रो ना सके, खुशी मिली तो मुस्कुरा ना सके। गम मिला तो रो ना सके, खुशी मिली तो मुस्कुरा ना सके। हाँ जी पहचाना? किस किस को खाना है वो कमेंट में बताएं, मैं आपको प्यार से खिला दूंगी। चलो ये एक चीज तो बढ़िया हुई टिकटॉक के जाने से, ये औरत सुधर गई कम से कम।
क्या अभी भी नहीं पहचान? अरे यार कम से कम झूठ ही बोल देते कि पहचान लिया, हमारे कान तो बच जाते। ओके जेन्युइनली मैंने इन ऐप से कुछ अच्छी चीजें सीखी हैं, जैसे कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। आलू ले ले, टींडे ले ले, घिया ले ले, कद्दू ले ले, अदरक ले ले, तोरी ले ले। इनफैक्ट यहाँ पे लोग इतने मोटिवेशनल है कि इनके वीडियोस देख के आप रो दोगे। मैं गरीब हूँ। पर तूने तो सेंट रॉबर्ट्स हाई स्कूल का आई कार्ड बना हुआ है, मैंने गूगल किया, वो तो अच्छा खासा स्कूल है। मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। ओके अरे तो गरीब हरकतें करना है, गंदी हरकतें क्यों कर रहा है? मुझे मम्मी पापा से बढ़कर कोई चीज नहीं है। देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल मम्मी पापा को चीज मत बोलो। मैं गरीब ही ठीक हूँ। ठीक है फिर, मेरे को क्या है? पता है इस वीडियो के लिए 2-3 हफ्तों से ना मैं इन ऐप्स को ट्राई कर रहा हूँ, पर कुछ चीजें मेरे अभी तक समझ नहीं आई। जैसे कि ये ऐसे डांस मूव्स को कौन पसंद करता है, ऐसी चीजें किसे फनी लगती हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस देते हुए इनके दिमाग में चलता क्या है, और ये ऐसी सेंटी बातें करके कहाँ निकल लेते हैं। कभी भी मर्द से कमाई और औरत से उम्र नहीं पूछी जाती। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि मर्द कभी अपने लिए कमाता नहीं है और औरत कभी अपने लिए जीती नहीं है। अरे भाई वो पीछे वाला बात कर रहा था तेरे से, बीच में एकदम से कहाँ जा रहा है? और पता है अजीब बात तो ये है कि इस सब के बाद भी इन सारे वीडियोस पे नाइस कमेंट्स आते हैं, एंड आई एक्चुअली मीन नाइस। मतलब पूरा कमेंट सेक्शन नाइस से ही भरा होता है, लाइक नाइस 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 नाइस। ये अगर तुम सोच रहे हो ना कि वीडियो के एंड में एक गाना होता है, वो ये है, वो ये नहीं है, वो ये है जो मैंने इनमें से एक ऐप पे सुना है। एंड ट्रस्ट मी, इसे सुनने के बाद शायद तुम में से काफी लोगों के दिमाग शट डाउन हो जाए और शायद थोड़ी मौत सी भी आ जाए, बट कोई नहीं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। बड़ा के भाव दे रहा सब्जी? आलू टमाटर ताजा 30 है, पत्ता गोभी बैंगन दोनों 20 है। ठीक है ठीक है, सस्ती है फिर तो। इसे तो प्याज ले ले, इसे तो प्याज ले ले, 1 किलो प्याज ही ले ले। Still a better song than Beyonce Sharma जाएगी। So guys, that was it. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, मेरा सेकंड चैनल भी है शिवम थिंग्स, प्लीज उसे भी सब्सक्राइब कर लो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो। बाय बाय।